हेलो गाइस, आई एम बैक विद अनदर गेम प्ले वीडियो। और आज हम खेलने वाले हैं फोर्जा होराइजन 5 और खरीदने वाले हैं एक नई कार। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते हैं गेम प्ले के अंदर। तो ओके गाइस, अभी हम आ चुके हैं गेम प्ले के अंदर। और आज जैसा कि मैंने बताया आपको कि हम खरीदने वाले हैं एक नई गाड़ी, मतलब नई कार खरीदने वाले हैं। तो आज जो हम खरीदने वाले हैं जीप रैंगलर, मतलब जीप की तरफ से जो आने वाली ग्लैडिएटर रूबीकॉन, जो कि 2020 में लॉन्च हुई थी भाई, फुल्ली 4x4 है और ये पिकअप ट्रक है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और जो आज हम कलर जो डिज़ाइन खरीदने वाले हैं, फुल गैंगस्टर और रैपर लुक वाला खरीदने वाले हैं। ये सारे सिंपल कलर हैं, सबके पास होते हैं, देखो ऐसे ऐसे डिजाइंस वाले हैं और कलर वाले हैं। पर भाई तुम्हारा भाई खरीदने वाला ये गोल्डन वाला, ये देखो मैं आपको कैमरा सही कैमरा एंगल से दिखाता हूँ। ये देखो क्या चमक रही है भाई, धूप में चलाओ या अंधेरे में चलाओ अलग ही चमकेगी, अलग ही। और भाई अगर आपको ये गाड़ी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में बताना। और अगली बार के लिए आप चाहते हैं कि मैं आपकी पसंद की गाड़ी चलाऊं इस गेम के अंदर, तो जो भी इस गेम के अंदर गाड़ियां हैं अवेलेबल हैं आप वो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उसके लिए आपको ड्राइव करके दिखाऊंगा और उसका गेम प्ले बनाऊंगा। ठीक है, तो चलो अभी इसको हम बाय कर लेते हैं। ठीक है, 45,000 CR की है, 45,000 CR की है। ठीक है, सेलेक्ट किया और इसको हमने बाय कर लेते हैं। तो ओके गाइस, अभी हम ये गाड़ी खरीद चुके हैं और आप देख सकते हो कितना कितनी खतरनाक लग रही है। और मैं पूरी दिखाऊंगा आपको और इसको फुल मॉडिफाई और अपडेट भी करेंगे। ठीक है, देखो ये पहले हेडलाइट बंद कर सकते हैं, बंद करने के बाद कैसी लगती है ये और चलाने पे कैसी लगती है, चालू हो जा, चालू छोड़ देते हैं। तो चलो अभी इसको अपग्रेड वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, कस्टम अपग्रेड में चलते हैं, अभी टायर के साइज़ को बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अभी देखो साइज़ बढ़ गया ना, फुल साइज़ कर दिया तुम्हारे भाई ने। ठीक है, ओके। और अभी रेयर वाले पीछे वाले टायर के भी साइज़ हैं उसको बढ़ा लेते हैं। अभी तो कितने चौड़े हो चुके हैं, अभी ये फुल मज़ा आने वाला है। अभी फ्रंट वाले में इसमें जो इसकी वो है ये बढ़ाते हैं। अभी देखो कितनी ख़तरनाक लग रही है। तो अभी इसमें हम ये वाला कर लेते हैं, मीडियम वाला। एक तो ये पूरा है खत, बिल्कुल भाई टायर का साइज़ को कितना सा हो गया है, पूरा आगे अंदर रिम ही रिम है यहाँ। ठीक है, अभी पीछे जाते हैं, एक बार सही से कर देते हैं। हाँ ये वाला हो रखा है। और रेयर वाले टायर के अंदर भी हम ये वाला कर देते हैं। ठीक है, अभी अच्छा लगेगा। और भाई इसके जो ये हैं रिम्स, ये चेंज करने पड़ेंगे, मैं समझ गया, नहीं तो बेकार लगेंगे। ठीक है, तो अभी इसमें चलते हैं। तो भाई देखो अभी जो रिम है मैं ये वाला लगवा रहा हूँ। ठीक है, दैट्स इट। और अभी पीछे चलते हैं और अभी और क्या मॉडिफिकेशंस हैं इसके अंदर देख लेते हैं। बम्पर में कुछ चेंज करने का है क्या, ये दो लाइट लग जाएंगे, अच्छा लगेगा क्या ये, नहीं इसके बिना ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये चलते हैं। और क्या है भाई पीछे में भी कुछ है, ओह ये देखो ये सही लग रहा है, ये भी मस्त लग रहा है। ओके, तो अभी आप देख सकते हो अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे, तो ये देखो ये वाला मस्त लग रहा है मुझे, मैं ये लगवा ले रहा हूँ। ठीक है, फुल ऑफ रोडिंग वाली फील भी आएगी इसके अंदर। ठीक है, ये करा देते हैं और देखते हैं और क्या है मॉडिफिकेशन के अंदर हमारे। ओ भाई ये देखो ये गेट लगवा लें क्या, अच्छा लग रहा है क्या। हाँ ये गेट भी लगवा लेते हैं और देखते हैं और क्या ऑप्शन है इसमें, क्या है भाई ये क्या ऊपर से भी ओपन हो गई भाई, देखो कन्वर्टेबल कर दी भाई हमने, देखो ये भी लगवा लेते हैं भाई, मस्त है। चलो तो ओके गाइस, अभी हम आ चुके हैं गेम प्ले के अंदर। और भाई देखो अपनी जीप कितनी चमक रही है। तो अभी इस पर हमने सारा कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह कर दिया है, देखो सारे चारों गेट मैंने निकलवा दिए हैं और ये प्लास्टिक का कुछ जाली नुमा जो गेट है वो लगवा दिया, बड़ा ही कूल लग रहा है। और पीछे एक स्पेयर टायर होगा और ऊपर कन्वर्टेबल भी हो चुकी है ये, बट अभी मुझे यहाँ पर ऑप्शन मैंने बहुत ट्राई किया कि किस तरीके से इसका कन्वर्टेबल ये है क्लोज हो सके और ओपन हो सके, पर ये हो नहीं पा रहा है अभी,
तो अभी के लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा, पर अगले वीडियो में अगर हो सकेगा पॉसिबल मैं चेक करके बता पाऊंगा कि किस तरीके से इसे हम कन्वर्टेबल कर सकते हैं, ठीक है। और मैं इसका आपको हॉर्न भी दिखा देता हूँ, और थोड़ा आगे निकल के मैं आपको दिखाता हूँ आगे, क्योंकि यहाँ पर रोशनी थोड़ी सी कम है, जहाँ पर रोशनी अच्छी है वहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको। और भाई गाड़ी लग तो बड़ी खतरनाक रही है हकीकत में, और मैं आपको यहाँ दिखाऊँ क्या, यहाँ देखते हो तो मट्टी इतनी है ना कि गाड़ी गंदी बहुत जल्दी हो जाती है। चलो तो मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, और भी कैमरा एंगल है, ये दूर वाला इससे दिखाता हूँ मैं आपको, देखो क्या गजब लग रही है। और हमने पेड़ तोड़ दिया, पौधा तोड़ दिया, सॉरी। आराम आराम से लेके आए, ज़्यादा गंदी ना हो गाड़ी, इस रोड पे ना गाड़ियाँ बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। और देखो यहाँ थोड़ा सा छोटी सी सिटी है, ये विलेज बोल सकते हो, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे इसको खड़ी करता हूँ अच्छी रोशनी में, जहाँ पे आपको दिख सके सारा कुछ अच्छा, ठीक है। अभी ये देखो, ये है कुछ अपनी, और इसमें हमने कुछ मॉडिफिकेशन करवाई है, जैसे कि इसके टायर हमने चौड़े करवा दिए हैं, और ये क्या कहते हैं अलॉय व्हील्स होती है ना वो भी लगवाए हैं देखो, और पीछे मॉडिफिकेशन करवाया है, कुछ सनरूफ लगवाया है। यहाँ से देखो कितनी खतरनाक ही लगती है ये गाड़ियाँ, तो इस गेम में एक से एक है खतरनाक खतरनाक। और मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ ये, ठीक है, एक सेकेंड। ये देखो ये कुछ अपना डैशबोर्ड है, सिंपल सा डैशबोर्ड है क्योंकि ऑफ रोड गाड़ी है, जीप कंपनी की गाड़ी है, ठीक है। ऊपर सनरूफ है, इतना ही दिखता है भाई। और देखते हैं और कौन सा कैमरा एंगल है, एक ये कैमरा एंगल है, इससे भी चला के देखें दिखाऊंगा मैं आपको, बाकी नॉर्मल कैमरा एंगल्स हैं ये देखो। तो चलो अभी कुछ लोकेशंस पे चलते हैं, ठीक है, रिवर्स में लेते हैं इसको। और जी चाचा कौन से जमाने की गाड़ी लेके घूम रहा है देखो, और मैंने इसका आपको हॉर्न दिखा दिया क्या, ये देखो हॉर्न भी तगड़ा है इसका। इस एंगल से देखो कितनी खतरनाक लग रही है भाई, और इसकी कन्वर्टेबल हमेशा ओपन ही रहती रहता है, क्योंकि मुझे पता नहीं कि बंद होती कहाँ से, मैंने चेक किया वैसे बटन, वैसे तो शायद ये कन्वर्टेबल ही बंद नहीं हो सकती है, या तो पता नहीं क्या सीन है। ऑटोमेटिक सिस्टम होगा ना इसके अंदर, क्या कहते हैं, होना चाहिए मेरे ख्याल से भाई, नहीं तो हाथ वाथ से बंद करना पड़ता होगा क्या पता, क्योंकि ये इस गाड़ी में आता नहीं ये ऑप्शन, ये मॉडिफाई हमने करवाई है बाहर से। और अपनी उसी जगह पे आ चुके हैं हम, जहाँ पे हर बार हम थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करते हैं, वहाँ देखते हैं थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करके चला करके। ओए देखो वे अंधा है क्या, वे हमारी गाड़ी ठोक दी, डेंट आया क्या, नहीं कुछ हुआ नहीं, अभी पकड़ के मारते हैं उसको अभी हम, और इस फुटपाथ पे चढ़ा के देखते हैं हम, यहाँ पे चढ़ा तो मजाक का काम है इसके लिए। ओए ये खंबा था इतना नाजुक सा, बस टच के टूट गया। और जगह है यहाँ पे ऑफ रोडिंग के लिए, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक जगह है ऑफ रोडिंग के लिए, मतलब मैं यहाँ लेके चलता हूँ। यहाँ देखो यहाँ पे हर बार हम ऑफ रोडिंग करते हैं, चला के देखते हैं इसको। अबे क्या चढ़ा दी मैंने, अभी दोबारा चढ़ेगी क्या, वहां तो इजी थी। ओ ओ ओ, ओ पलट गई ये तो, सॉरी ये तो पलट गई स्टंट करने के चक्कर में, अभी दोबारा कर देखते हैं। खंबा ही तोड़ने का भाई, इस गांव में बिजली चली जाएगी, चढ़ा के देखते हैं। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ फिर से गिर जाएगी, फिर से पलट गई। अभी हम इस एंगल से चढ़ा के देखते हैं, चलो अंदर से ला के चढ़ा के देखते हैं। और भाई हमारी विंड स्क्रीन भी टूट गई है, अभी हमें
पीछे कर लेता हूँ पहले थोड़ा, पीछे खंबा भी है देखो दिख रहा है, अभी आगे से इसको चढ़ाते हैं यहाँ से ऐसे। ओए 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 फिर से गिर गई भाई, सीधी भी हो गई, पर अभी आगे चलते हैं ऐसे फालतू के क्या तुझे स्टंट है वो करेंगे भाई आज हम, अलग अलग जगह ढूंढेंगे जहाँ पे हम स्टंट कर सकते हैं, ऐसे वाले खतरनाक वाले वो स्टंट करेंगे यहाँ पे। बिल्कुल सही तरीके से अगर करोगे तभी चढ़ेगी ये, तो सही एंगल से चढ़ाओगे तभी चढ़ेगी। नहीं भाई नहीं चढ़ रही यहाँ पे, तो थोड़े पीछे करते हैं और भी ऑफरोडिंग की जगह वहां चलते हैं, यहाँ देखो इसके ऊपर चढ़ाते हैं सीढ़ियों के ऊपर। ओए आराम से आ भाई आराम से, क्या कर रहा है निकाल ले चल अभी। और इस सीढ़ियों पे हम हर बार चढ़ाते हैं, इस बार चढ़ा के देखते हैं सीढ़ियों पे। लोकेशंस ना ढूंढनी पड़ेगी इस जो गेम में, बहुत सारी लोकेशंस हैं ऑफरोडिंग के लिए, पर ये है कि आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। अरे अरे मैंने वो तोड़ दिया, अभी हम ऐसे चढ़ाते हैं भाई। विंड स्क्रीन टूट गई, अभी अभी गाड़ी खड़ी हमने, और भाई क्या मक्खन की तरह चढ़ गई, मैंने रेस भी नहीं थी चढ़ गई आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई। चलो अभी कहीं और चलते हैं, और किसी लोकेशन पे जहाँ ऑफ रोडिंग की जगह मिल सके हमें। चलो इसको चला के देखते हैं, उसकी फुल टेस्ट मतलब स्पीड टेस्ट भी करके देखते हैं। ये क्या कर रहा है यार, कदे मैं भी स्टंट करूँ क्या, मैं भी करके देखता हूँ स्टंट। ओ ओ ओ ओ ओ ओ टूक गए यार, नई गाड़ी ठोक दी हमने, दो डेंट भी आ गया इस पे। तो चला के देखते हैं इसको अभी, अरे फिर हाईवे देख लेते हैं हाईवे कहाँ पे है। ये मस्त स्टंट कर रहा है, अरे हट जा। और उसको भगाते हैं, भगा के टेस्ट लेते हैं भाई। वैसे तो पिकअप ट्रक है तो ज्यादा भागेगी नहीं भाई ये। हटा ले चाचा, अंदर वाले लुक से भाग के देखते हैं। और बारिश होने वाली है पक्का, पांचवी गियर पे जा चुकी है भैया, सौ पे अभी तो सौ पे ही भागी यार। वैसे तो हमने इसका ना एलॉयज वगैरह बदलवा दिए हैं, ठीक है ना, जैसे इसके वजह से स्पीड कम हो जाती है बोलते हैं। बहुत धीरे भाग रही है अभी तो, 108 बस, बहुत कम स्पीड है फिर तो। ये फुली ऑफ रोडिंग ऑपरेटिंग की होगी बस, इसको घुमा देते हैं। ये स्टंट है कितना खतरनाक किया भाई तुम्हारे भाई ने। और अभी कई नई लोकेशंस पे चलते हैं, थोड़ी ऑफ रोडिंग वाली जगह पे चलते हैं जहाँ पे हम ऑफ रोडिंग वगैरह कर सकें। चलो ये एक ऑफ रोडिंग वाली जगह दिख रही है, यहाँ चलते हैं इधर, खेत वेत टाइप का एरिया है, इधर जाए भाई। खेत खराब कर दिए मैंने इनके, फूल उगा रखे इन लोगों ने, ट्रैक्टर भी है यहाँ पे। भाई हम कितनी ऊंचाई पे आ चुके हैं और सारे खेत खराब करते जा रहा हूं मैं।
और भाई थोड़ी खतरनाक रोड पे अब हम ड्राइविंग करके देखेंगे। अब चलो पहली सिंगल चलाते हैं। ड्रिप मारा और रेस दे दिया। अबे घिस गई, घुस गई, घुस गई, पानी के अंदर घुस जाएगी। रोड पे आजा, चलाना इतना दिखता है, इतना आसान है, पर इतना आसान है नहीं है। और देखो यहाँ पे ऑफ रोडिंग की जगह है, मोड़ लेते हैं यहाँ पे, यहाँ चला के देखते हैं। और यहाँ तो एक और रास्ता जा रहा है, यहाँ चलेगा, यहाँ चलते हैं। ओ पेड़ तोड़ दिया हमने, जंगल के बीच में जा रहे हैं। बारिश होने वाली है, बारिश चालू हो गई है। और हम जंगलों में कहाँ जा रहे हैं? अरे हम किस जगह पे आ गए हैं? ये गैराज वगैरह है क्या कोई? ये खुलेगा क्या? खुलेगा नहीं। अभी कुर्सी तोड़ दी थी हमें, हमने अभी हमने ये खुलेगा क्या? नहीं खुलेगा भाई। रिवर्स करते हैं और किसी और जगह पे चलते हैं। आज भैया हम रैंडम किसी भी जगह पे चले जाएंगे, कोई भी जगह मिल जाएगी रैंडम, मजे ले रहे हैं बस ऐसे ही। घुमावदार सड़क पे घुमा के देखते हैं भाई अपनी पूरी गाड़ी। सड़कें पूरी गीली हो चुकी है भाई। सब बैरिकेड वैरिकेड तोड़ता हुआ तुम्हारा भाई आगे निकल रहा है। अरे वाइपर के यहाँ से पानी भी निकल जाएगा, अभी बारिश हो रही है, बारिश में पानी की जरूरत नहीं है। इसको चलाना बहुत मुश्किल है यार। अभी हम रैंडम जहाँ हमें मिल रहा है हम वहीं जा रहे हैं, कोई डिसाइड नहीं कहाँ जाना है। थोड़ा मैं इस एंगल से दिखाता हूँ आपको चला करके। गाड़ी देखो कितनी खतरनाक लग रही है भाई अपनी गाड़ी। और ठुकना नहीं, यहाँ पे अभी हमें जगह मिल चुकी है ऑफ रोडिंग के लिए, अभी हम यहाँ ऑफ रोडिंग करके देखेंगे। और भाई कोशिश करेंगे मस्त भाग। देखो हमने वाटर क्रॉस, पहला वाटर क्रॉस क्रॉस किया हमने। और भाई इधर रास्ता खत्म हो गया, ठीक है बात भी नहीं, रास्ता खत्म नहीं हुआ। कुछ जंगलों में ऑफ रोडिंग कर रहे हैं भाई हम। लकड़ी के लट्ठे पड़े हुए हैं यहाँ पे, नदी है क्या ये? नदी है, इसमें हमने बहुत मजे लिए वैसे तो। अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस देखोगे उसमें हमें नदियों में बहुत चलाया है। आज नदी में नहीं चलाना भाई, आज ऑफ रोडिंग करेंगे। एक तो बारिश हो गया तो मौसम थोड़ा सा खराब हो चुका है।
और गाड़ी की हालत देखो भाई, हमने क्या हालत कर दी है। पर ऐसी गाड़ी ऐसी अच्छी लगती है, मट्टी वट्टी लगी हुई, थोड़ी गंदी सी, कहीं मजा आता है। और मैं यहाँ से नेविगेशन भी लगा लूंगा और अंदर अंदर से जाएंगे। देखो ये सिटी आ गई है। तो ओके गाइस, अभी देखो हम अंदर से मैं नेविगेशन लगा दिया है, अभी सिटी के अंदर से होते हुए हम जाएंगे। ठीक है, मैं आपको बाहर की लोकेशन चला के दिखाता हूँ, बाहर वाले कैमरा एंगल से। और कुछ जगह मिलेगी ना यहाँ पे ऑफरोडिंग के लिए, तो ऑफरोडिंग कर लेंगे थोड़ी बहुत। और ये क्या हो रहा है, लोग देख रहे हैं यहाँ पे खड़े होकर के। ये जो जगह है ना, रेस वेस होने के लिए ही है, मतलब अभी यहाँ पे फेस्टिवल चल रहा है, रेसिंग फेस्टिवल जो होते हैं। जगह मिलनी चाहिए मुझे बस फुल ऑफ रोडिंग के लिए। इतनी सी ऑफ रोडिंग में ना टायर को कितने गंदे हो जाते हैं यहाँ पे। और है मैंने खंबा तोड़ दिया। और क्या देख रहा है अभी तू खड़ा होके उधर से? एक रोड जा रही है, थोड़ा तेज चलाते हैं। चलो और मौका मिलेगा ना तो स्टंट भी करके देखेंगे भाई। यहाँ पे जगह है फिर स्टंट करने के लिए कुछ? नहीं है भाई, उतने में हम क्या ही चढ़ाएंगे। और कहाँ चढ़ा दिया? और देखो ये बालकनी से चढ़ के देख रहा है, अपनी बालकनी से। तो ये छोटी सी बहुत खूबसूरत सी सिटी है, इसके बीच से होकर के हम गुजर रहे हैं। थोड़ा तेज चला के देखते हैं अब हम। यहाँ देखो सीढ़ी भी चढ़ाएं क्या? नहीं चढ़ा सकते हैं, यहाँ पे लोग बैठे हैं ना, जहाँ पे लोग बैठे होते हैं हम चढ़ा नहीं सकते। और ये देखो ये भी जीप रैंगलर लेके जा रहा है, महिंद्रा थार लग रही है ना, कभी ये भी चलाएंगे। जगह ढूंढ रहा हूँ मैं, खतरनाक वाली जगह मिल जाए ना ऑफ रोडिंग के लिए, फिर मजा आ जाएगा। वो गमला तोड़ दिया मैंने। और साइड कर लेना भाई तुम लोग, यहाँ पे कुछ है ऑफरोडिंग करने के लिए? कुछ नहीं है भाई खास। अभी हम चल रहे हैं ज्वालामुखी के ऊपर, एक्टिव ज्वालामुखी है, नेविगेशन वगैरह लगा लेते हैं। चलो अपनी डेस्टिनेशन की ओर निकलते हैं अभी, ज्वालामुखी की तरफ, मतलब फुल ऑफ रोडिंग होने वाली है वहाँ पे। और अभी खींच के भगा के दिखाऊंगा और अपनी ड्राइविंग स्किल दिखाऊंगा आप लोग को, क्या खतरनाक चलाता है तुम्हारा भाई। एक पिकअप ट्रक को भी 84 और 90-100 की स्पीड चलाना भी बड़ा डिफिकल्ट होता है भाई। ओए 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 यार, स्किड कितनी जल्दी कर जाती है यार। जब भी मोड़ आए तो हल्का सा मोड़ने के बाद ना रेस दे दो, ताकि फिर वो स्किड ना करे। और देखो आगे देख रहे हो कितना बड़ा पहाड़ है, इसी पहाड़ के ऊपर जाने वाले हैं हम। फुल रेस दे दी तुम्हारे भाई ने। अभी आने वाला है मजा, क्योंकि अब जाके ड्राइविंग स्किल दिखानी पड़ेगी खतरनाक वाली।
बड़ा गंदा चला रहा हूँ भाई। और हम फुल पहाड़ के ऊपर चढ़ाते हुए, ऐसे पहाड़ जब ऋषिकेश या मनाली वगैरह जाते हैं ना तब आते हैं। बड़े घुमावदार पहाड़ हैं भाई, उसको घुमाने बड़ा दिक्कत हो रहा है। और अभी तो हरियाली वाले पहाड़ आ रहे हैं यार, अभी तो क्या कहते, मैंने सुना है कि मतलब वहां देखा है मैंने मैप में कि बहुत डेजर्ट टाइप के पहाड़ भी होंगे। और अभी भी अच्छा खासा दूर दिखा रहा भाई ये तो, यहाँ से ये पहाड़ से नीचे गिरे ना दिक्कत जाएगी। चलो ऊपर चढ़ा देते हैं, इससे ऊपर शॉर्टकट मारते हैं। चलो इंजन का पावर देखते हैं भाई कितनी पावर है, ऑफ रोडिंग की पावर तो होगी ना भाई, ज़्यादा पावर नहीं है भाई इस गाड़ी में। चढ़ा तो दिए वैसे इसने, और चढ़ाते हैं ऊपर सीधा। ये देखो यहाँ पे ऑफरोडिंग करने का जा रहा है क्या, हम बस सीधे सीधे जा रहे हैं भाई और रास्ते से नहीं जा रहे हम, अब घूमते घामते जा रहे हैं। अब आया तगड़े तगड़े पहाड़ सीधा, कितने सारे पेड़ मैंने तोड़ दिए हैं भाई, सीधा पहाड़ है बिल्कुल सीधा और उस पर चढ़ा रहे हैं हम। और अभी हमें चोटी के ऊपर जाना, बिल्कुल टॉप पे जाना है, टॉप पे। अब रोड ही चले क्या, चल रोड ही चलते हैं। अब अंदर से चलाते हुए चल रहे भाई। और भाई ये जगह देखो, अगर यहाँ गिर गई गाड़ी तो चढ़ जाएगी ऊपर, वहाँ चढ़ा के ले चलें क्या वहाँ से। चलो वहाँ चढ़ा के देखते हैं, तुम्हारे भाई ने तोड़ दिया इसको। और भाई कहाँ ही चला रहे हैं हम देखो, और नीचे नहीं जाना ऊपर जाना है भाई, में गाड़ी स्किड कर रही है, गाड़ी स्किड कर रही है। अबे 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 स्किड कर रही है तो नहीं, नीचे नहीं जाना, नीचे नहीं जाना, नीचे नहीं जाना, ऊपर जाना भाई। इस गाड़ी में दम ज्यादा नहीं है भाई, हद है यार, मैंने क्या सोचिए करता था इसको कि ऑफ रोडिंग की तगड़ी होगी है। वैसे सीधा पहाड़ है भाई, सीधे पहाड़ के ऊपर लेके चल रहे हैं हम। ये देखो हेडलाइट वगैरह भी टूट गई है इसकी, और शायद इसकी ना रिम विम चेंज कराने की वजह से, रिम विम क्या कहते हैं अलॉय व्हील्स होते हैं, वो चेंज कराने की वजह से इसकी पावर थोड़ी सी कम हो गई है मेरे ख्याल से। और भाई कहाँ ले गया मैं पत्थरों के अंदर बीच में जो निकल जाएगी। और अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा एक्टिव ज्वालामुखी, तो पानी है यहाँ पे या तालाब क्या कर रहा है भाई यहाँ पे। अभी हम आ चुके हैं देखो यहाँ पे, जहाँ का हमने नेविगेशन लगाया था, अभी थोड़ा और बचा हुआ है। यहाँ पे रेस लगाने का ऑप्शन भी है इस गेम में, बेसिकली हमें रेस ही लगाना होता है, रेसिंग के लिए, रेसिंग गेम है मान लो ये। और आप फ्री प्ले भी कर सकते हो, ऐसे ऐसे हम फ्री प्ले कर रहे हैं अभी। गाड़ी गंदी के पानी में धो दें क्या, और ये स्टेयरिंग व्हील ना बहुत अच्छी फील देता है क्या कहते हैं ऑफ रोडिंग की। और वहां पे और भी लोग हैं टॉप के ऊपर जहाँ पे ज्वालामुखी है, मैं आपको ज्वालामुखी दिखाने वाला हूँ आज। और भाई यहाँ से शहर दिखना, नीचे कैसे शहर दिखेगा दिखाऊं क्या,
ये देखो पूरी सिटी दिख रही है, सब कुछ छोटा छोटा दिख रहा है। अबे ज्वालामुखी कहाँ है, तो पानी पानी है भाई, पानी में गिरा डुबा दूँ क्या, थोड़ा गाड़ी धुल जाएगी, चलो पानी में डुबा देते हैं। चलो अभी गाड़ी अपनी साफ हो चुकी है, चमक गई एकदम, आगे दिखा देता हूँ आप लोग को, बिल्कुल चमक गई है। ज्वालामुखी उस तरफ होगा, चलो मैं जा रहा हूँ कि नहीं है यहाँ पे, अगर मैप में देखता हूँ, रुको सॉरी गाइस, मैंने आपको गलत बताया, ये ज्वालामुखी एक्टिव नहीं है, ये पानी पानी वाला है, इसके अंदर पानी है बस। यहाँ पे होटल्स वगैरह भी हैं क्या, देखो घर घर बने हुए हैं, लोग रहते भी हैं क्या, इनकी गाड़ियाँ वाले उड़ा दूँ क्या मैं, देखो ये ले ठोक दी मैंने, ये ट्रांसफार्मर था ये भी तोड़ दिया मैंने, एंटीना वंटीना सब कुछ। तो ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, और अगर आप वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो आपको तो पता ही होगा क्या करना है, सिंपल सा एक लाइक करना है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करा दो, और आगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग गेम प्लेज वीडियोज़ आने वाले हैं, और ऐसे इंटरेस्टिंग गेम प्लेज वीडियोज़ को देखते रहने के लिए कीप वॉचिंग स्लीप प्ले।